ये बंदे जो तू ही बढ़िया से प्रॉब्लम हुई ताली जे प्राण निकले ने ताली जे पैसा कटी दड़िया तक दो बाकी तू ज्यादा तजर्बे कार है ये गौरव जी अजनाला थे आदरणीय परमादरणीय सम्माननीय श्री चंद्र मोहन शर्मा जी जो थोना बाढ़ से जिला परिषद के सदस्य है और सबसे बड़े दानवीर हमारे इलाके के हैं। शायद पैसा इनके पास करोड़ों से कम हो तो आप लोग सभी तालियों से इनका स्वागत करें। की बात ही हुई है लेकिन फिर भी ये 70,000 रुपए आज के लिए हमारे लिए यहाँ पे दे रहे हैं जिनकी गहराइयों से और
ये दोनों आए पहलवान मैदान में हाथ जोड़ी करें। ये सुखमन राजनाला जी हाथ खड़ा करें और ये बीरेंद्र पाटू वाला, ये सबसे बड़ी कुश्ती आज के हमारे इस प्रोग्राम की होगी। आपसे बड़े इतमान ये कुश्ती आप देखेंगे, ये भी आप देखिए गौरव अजना और मेजर डेरा बनाने के बीच में लड़ी जा रही है। इस बार हमने कुश्तियों का स्वरूप बदल दिया, जो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल और फाइनल का था करवाई जा रही है, क्योंकि कराए दिक्कत वहीं पे कहीं अरे जनाना गायरा ने मंदिर रोटियां पूजा बनाने पर मुझे पता नहीं अबे कई थी हो रहा में दे रहा हो गया क्यों रानी बोलिया कदे बे करा हां रोटी बनानी ये समझ गए अंदर की बात है ना तुम बैठो है तो जल्दी लगे कर Thank you.
ये दानी सजनों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आकाशपुरी जी अपने पिता ज्ञानचंदपुरी की याद में भाई पहलवान दे रहे हैं। दिनेश राव जी गोपालपुर से 1100 रुपए दे रहे हैं। राजकुमारी कोठू से द्वाड़ी से बेटा होने की खुशी में 1100 रुपए दे रहे हैं। ये बेटा होने की खुशी में 1100 रुपए दे रहे हैं। हमें किसी के पद से किसी की जाति विशेष से हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा दानी है वो हमारी छिंज का मुख्य अतिथि होता है। आज के हमारे मुख्य अतिथि चंद्रमोहन शर्मा जी है। इन्होंने 70,000 रुपए अपने लिए कमाई में से दिया। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि ये दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें और इसी तरीके से ये सब जगह पे दान देते रहे। तू बड़े बोले ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों ने इस स्कूल में पढ़ाई की है, मैं समझता हूं कि आपके ऊपर ऋण है। आप उऋण होने के लिए जरूर इस पीढ़ पे आप जहां जहां पे जिस इस कोर्स को सुशोभित कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, तो इस ऋण है इस पृथ्वी का, इस ग्राउंड का, इस स्कूल का, तो आप जरूर दान दें। भगवान आपके घरों में खूब खुशियां लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं और एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस छिंज के लिए जो हमारा अगले महीने का पहला रविवार आएगा, राजू तारीख देखने वाले कितनी, सभी लोग लौट करने। जिन जिन लोगों ने इस चिंज को कामयाब करने के लिए 10 रुपए से लेकर के 1 रुपए से लेकर के 70,000 रुपए तक पैसा लिया, उनका सबका सुझावों का स्वागत रहेगा। जो हमारी कमी है उनको बोले, सीधा बोले, ताकि उसके लिए आगे के लिए सुधार किया जाए। भगवान को अगली बार से मौका दे, आप लोगों को देखने का दे, हमारे भगवान से प्रार्थना है। और जो पहला मई महीने का रविवार आएगा उसको हमसे हिसाब ले सकते हैं। जहाँ पे हमारी कमियां रही हो वहाँ पे आप हमारी खिंचाई करें, और जहाँ पे ठीक हो वहाँ पे आप सार्थक रूप में आपको हिसाब देने के लिए रखा जाता है। रेस्ट हाउस टाइम रहेगा, हम आप लोगों के सुझावों का इंतजाम ले सकते हैं। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। एक और निवेदन कि कहीं पे किसी का नाम छूट गया हो, लिखने से तो नहीं छूटा, बोलने से अगर छूट गया हो तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। आप उसको भी आकर के चेक कर सकते हैं कि क्या वो हमारे पास हिसाब आया कि नहीं आया। 1 मई को आया तो 1 मई को रविवार है, तो आप 1 मई के लिए आमंत्रित है। आपके सुझाव और हिसाब लेने के लिए आप आमंत्रित है। धन्यवाद।
मुकदमा का सिलसिला उन जवानी चले क्योंकि तू जेने का तेरा हो हीरा ये हरी बहन का जो युवक मंडल है वो 1100 रुपया अपनी नेक कमाई में से दे रहा है जहां जहां वे बच्चे काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिनदुनी रात चौक में करें धन्यवाद।
कुश्ती आप देख रही है, बड़े जोर की कुश्ती हो रही है। अब इनके लिए समय दिया जाएगा, ये बड़े जोर की कुश्ती है, दोनों बराबरी की कुश्ती है, तो इनको 3 या 5 मिनट का समय दिया जाएगा और उसके बाद हटा दिया जाएगा इनको। बहुत बढ़िया, क्या आप सहमत है इसी से? ठीक है, बात है पॉइंट, ये पॉइंट पे पॉइंट पे पॉइंट पे, हाँ पहलवान जी इनके पॉइंट पे, ये पॉइंट पे कुश्ती और आपके सामने अभी हार जीत का फैसला। Yeah.